हेलो नास्टिक पीपल, वेलकम बैक टू आवर वीकी क्वेश्चन आंसर सीजन 3। तो ये सवाल सबके मन पे ही आता होगा कि एजेंट अली सीरीज का अगला सबसे बड़ा दुश्मन कौन होने वाला है, क्योंकि पहले तो ऊनो, उसके बाद भी ऊनो, उसके बाद अब निकी, वो लड़की को मिलाकर कुल मिला के एजेंट अली के दो बहुत बड़ा विलेन क्रिएट हुआ है। और नेक्स्ट कौन हो सकता है द पावरफुल विलेन, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसके अंदर हो सकता है उसका नेक्स्ट मेन विलेन निकी ही हो सकता है, यानी वो लड़की जो मूवी 2 पे विलेन था, या फिर उसके पुराने दुश्मन जैसे कि छोटे मोटे दुश्मन, वो सारे बड़े दुश्मन हो जा सकते हैं। पर ज़्यादा से ज़्यादा जो लगता है वो है कि एजेंट अली का खुद का ही इंस्पायर्ड होकर बनाया गया रोबोट, यानी एजेंट अली रोबोट। हाँ, वही एजेंट अली रोबोट जिसे हमें मूवी पर दिखाया गया था। एजेंट अली मूवी पर आखिर में उसे क्रिएट किया था आयरिस के द्वारा, यानी आयरिस के तरह शक्तिशाली एक विलेन आने वाला है सामने। और ये हो सकता है कि लगता है ऐसा हो कि उनो बच जाए, और उनो पहले उस एजेंट अली से लड़े, उसके बाद उसके अंदर वायरस डाल दे, उसके बाद एजेंट अली को बुरा बना दे, ऐसा भी हो सकता है। और एजेंट अली को एक बार बुरा बना दे तो उस रोबोट से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल एक रोबोट है आयरिस के साथ। एजेंट अली का सीजन 3 कब और कहां पर रिलीज होने वाला है? पहले तो हमें पता ही है कि ये रिलीज तो होने वाला है ना, क्योंकि अभी भी कंफर्मेशन नहीं आया था, बट अब कंफर्मेशन आ गया है फ्रॉम एजेंट अली, मतलब वाओ एनिमेशन के तरफ से, कि एजेंट अली सीजन 3 कमिंग सून ऑन 2022, यानी हमारे अगले साल ही एजेंट अली को हम देख सकते हैं। और एक खुशी की बात यह है कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी हम देख सकते हैं इसे, यानी मज़ा ही मज़ा होने वाला है। हम लोग पहले ही देख सकते हैं, नॉर्मली तो TV3 पे रिलीज़ होता है, पर इस बार इसे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया जाने वाला है, जो और भी मज़ेदार है। आपके अंदर कौन कौन इसमें एक्साइटेड है और कौन कौन चाहता है एजेंट अली का सीजन 2, मूवी 1 और सीजन 3 हिंदी पर आए, मुझे ज़रूर पर कमेंट करना। तो ये सवाल कि यिंग क्यों इतना कम शक्तिशाली है, क्योंकि उसके पास पर समय मणि की तरह पावर है, फिर भी वो क्यों इतना अनपावरफुल है, मतलब इतना कम पावरफुल है, इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं। कारण कि यिंग सिर्फ लाते मारने को छोड़कर और कुछ नहीं कर सकती है, वो ज़्यादातर ही लाते ही मारती है और स्लो कर देती है, पर समय मणि से तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं, फिर भी यिंग क्यों ऐसा नहीं करती है, जिसका जवाब है बहुत सारे, पर मैं कुछ मेन रीज़न बताऊँ तो पहला कि इस सीरीज का मेन कैरेक्टर वो नहीं है, इसीलिए उसे ज़्यादा शक्तिशाली भी दिखा नहीं पा रहे हैं। और दूसरा जो कारण है वो है कि उसे अगर दिखाना है ज़्यादा शक्तिशाली, तो पहले उसे उसका पावर स्पेयर को दिखाना पड़ेगा, यानी उसका रियल पावर को दिखाना पड़ेगा, कहाँ से आया है उसका ये पावर। और हमें पता भी नहीं है कि यिंग के अंदर पूरा का पूरा पर समय मणि का पावर है या फिर सिर्फ स्लो मोशन करने का ही पावर है, इसीलिए। और दूसरा जो रीज़न मुझे लगता है, यिंग बहुत ही छोटी है बोबोई के कैरेक्टर्स के अंदर, यानी यिंग की उम्र सबसे कम है बोबोई के कैरेक्टर्स के अंदर, इसलिए यिंग बहुत ही कम पावरफुल है। और तीसरा जो कारण है जो मुझे लगता है वो है कि वो ज़्यादातर पढ़ाई के अंदर ध्यान देती है, इसलिए पावर को कभी अनलॉक करने का कोशिश ही नहीं किया। और चौथा जो कारण है वो है कि टाइम ट्रैवलिंग एक बहुत ही गंभीर बात है, जिसे अभी भी ये मॉन्स्टर लोग ना ही लाने चाहते हैं, बाद में लाना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो लोग यिंग को ज़्यादा पावर नहीं दे रहे हैं, नहीं तो बहुत पहले ही दे देते।
तो ये सवाल कि क्यों वो रत्ता खान ने एलिमेंटल पावर यूज करने के लिए कोई घड़ी इस्तेमाल नहीं करता पर बोबो बॉय करता है, कारण कि बोबो बॉय कोई हीरो है इसलिए? ना ना ना, और कोई एक कारण है, जो कारण है बहुत सारे जिनके अंदर कुछ मेन कारण है, जिसके अंदर एक है कि बोबो बॉय के अंदर पावर इनडायरेक्टली आया है, जो मैं हर वक्त कहता हूँ कि बोबो बॉय के अंदर पावर इनडायरेक्टली आया है ऑटोबॉट से, जब कि रत्ताका ने लड़ाई करके पावर को छीना था अपने शरीर के अंदर, जिसकी वजह से उसे कोई वॉच की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बट बोबो बॉय तो एक पावर स्पेयर से पावर लिया था, जिसकी वजह से उसे एक घड़ी पहनना पड़ता था जिसे वो इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी उसका घड़ी असल में एक ऐसा चीज़ है जो पावर को क्रिएट नहीं करता, पावर को स्टोर करके रखता है जिससे वो इस्तेमाल करता है, यानी बोबो बॉय या फिर कहे हैना यिंग फैंग, ये सारे के वॉच के अंदर पावर स्टोर्ड है जो वो लोग इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल करते वक्त वो दिख भी जाता है, जो हमें मूवी 2 पे दिखाया भी गया है कि बोबो बॉय सोलर से उसका पावर लेने के बाद जब वो उसे इस्तेमाल करने जाता है तो वो नहीं कर पाता है, उसका घड़ी थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाता है, असल में उसका बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। इसीलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगर आपको समझ आया आज का विकी क्वेश्चन तो इस मंथ का विकी क्वेश्चन ख़त्म है, और सारे विकी क्वेश्चन को आप लाइक कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप और भी सवाल पूछिए, हो सकता है आपका सवाल भी यहाँ पर उठ जाए, इसलिए आज के सवाल के लिए थैंक यू, तो बाय।